Hey guys, welcome back to my another new video. तो guys, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा awesome. तो guys, आज की वीडियो में मैं बता दूँ, आज की वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं i20 का. आप काफ़ी लोग कह रहे थे यार आप रिव्यू नहीं कर रहे. तो इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू करता हुआ दिखूंगा, वो भी i20 का, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है. और ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इस गाड़ी का रिव्यू करूँ, पर टाइम नहीं मिल रहा था. अब मैं आखिरकार रिव्यू कर ही रहा हूँ. और इस गाड़ी को पहले बता दूँ यार, बारिश का मौसम हो रहा है, अब भी बारिश आ रही है. मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो गाइस, ये देख रहे हो गाइस कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है. बारिश आ रही है और गाड़ी काफ़ी गंदी है, तो यार माइंड मत करना. और मैंने इस गाड़ी में मेन चीज़ें फोकस करी है, ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं दिखाया. मेन चीज़ें दिखाई है, चला के दिखाई है, सीट कवर वगैरह सब दिखाया, इंजन विंजन. और तो इस गाड़ी के बारे में मेरे को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी. तो गाइस अगर मैं पीछे से दिखा दूँ तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखती है. और यहाँ से मैं दिखा दूँ साइड लुक से, ये लाइट आपको मिल जाती है बड़ी स्टाइलिश. पीछे से स्पोर्टी लुक देखने की कोशिश की है, लेकिन जो नई वाली i20 आती है उसमें एक तरफ रिवर्स लाइट आती है बस, तो वो मुझे काफ़ी भद्दी लगती है. और यहाँ पे होंडा की बैजिंग मिल जाती है, नीचे DRLs मिल जाते हैं. थोड़ी गंदी हो रही है गाड़ी, 2011 है गाइस, डीजल मॉडल है स्पोर्ट्स में. और यहाँ से आपको होंडा की बैजिंग मिल जाती है, और यहीं से डिग्गी ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है. और ऊपर जाऊँ तो टेल लाइट मिल जाती है छोटी सी रेड कलर की, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है. एवरेज लगा लो, इतनी भी अच्छी नहीं दिखती, एवरेज दिखती है. और यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पे भी आपको i20 की बैजिंग मिल जाती है, जो सभी कारों में i20 की यही सेम जगह मिलती है. नीचे आपको स्पोर्ट्स का बैजिंग मिल जाती है, ये स्पोर्ट्स मॉडल है इसलिए आपको स्पोर्ट्स मिल जाती है. और नीचे की तरफ डिग्गी की तरफ आप क्रोम देख ही रहे होंगे, इसमें अभी तक कोई रस्टिंग नहीं लगी है. कंपनी की क्रोम में कभी रस्टिंग नहीं लगती, लग जाती है लेकिन बहुत पुरानी में. ग्राउंड क्लियरेंस में मिलती है आपको 165 mm की, जो यार बेकार है, काफ़ी ज़्यादा ये खड्डों पर लगती है. चलो अब इसके टायर की साइड आते हैं. तो कहीं इसमें टायर मिल जाते हैं R14 के कंपनी फिटेड ट्यूबलेस टायर. ये कंपनी फिटेड अलॉय व्हील है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं. ठीक ठाक, इतनी अच्छी लुक नहीं देखते लेकिन हाँ अच्छे लगते हैं. सिर्फ कैप थोड़ी घूम गई है, वो मैं ला के लगा दूंगा. बाकी अब मैं दिखाता हूँ गाड़ी में मिट्टी काफ़ी, तो यार उसको काफ़ी माइंड मत करना. पे आपको मिल जाते हैं गाइस डिफॉगर्स, पीछे देख सकते हैं आप अंदर की तरफ, बाकी सारा सामान पड़ा है काफ़ी, क्योंकि पंजाब से आई है गाड़ी. और पीछे से दिखा दूँ तो गाड़ी पूरी स्पोर्टी लुक देती है, इतनी नहीं देती लेकिन हाँ कोशिश करी गई थी जिसमें यह कामयाब भी हो गई थी. और हुंडई की आपको बिल्ड क्वालिटी तो पता ही है, बताना ही बेकार है. साइड से मैं दिखा देता हूँ, साइड से गाड़ी मेरी पर्सनल फेवरेट है. क्या गाड़ी लगती है यार स्पोर्टी लुक में. और इसकी लेंथ की बात करूँ तो लेंथ इसमें आपको मिल जाती है 940 mm की, और अगर विड्थ की बात करूँ तो 1710 की मिल जाती है. तो इसका सबसे बढ़िया चीज़ लगी कर्व वेट, 1127 kg, कितनी गाड़ी को भारी बनाया गया, तो बिल्ड क्वालिटी यहीं से समझ आ जाती है गाड़ी की. अगर मैं पास से दिखा दूँ तो यहाँ से आपको मिल जाते हैं रेन वाइजर, जो भी कह लो डोर वाइजर, रेन वाइजर, जो आपके समझ में आता है, ये बारिश से प्रोटेक्ट करता है. और ये आपको कंपनी फिटेड ही क्रोम मिलते हैं जिसमें अभी तक कोई रस्टिंग नहीं है. डोर्स में भी कंपनी फिटेड क्रोम है. और यहाँ से थोड़ी गाड़ी में स्क्रैचेस लगे हैं, वो माइंड मत करना यार, दिल्ली में घूमोगे तो यही होगा. और गाइस साइड में अगर गाड़ी का दिखा दो तो यहाँ पे आई पॉप मिल जाता है, और यहाँ पे डोर ओपन कर मिल जाता है जो चाबी से ही खुलता है. और यहाँ पे आगे भी डोर वाइजर लगे हुए हैं. और साइड से दिखा दो तो मिरर साइड ये फोल्ड भी खुद हो जाता है, ये ऑटोमेटिक फोल्डेड मिरर है. साइड में इंडिकेटर भी दिया गया है जो प्रॉपरली वर्क करता है. और हाँ गाइज, कार के अंदर मैंने इंटीरियर आपको ढंग से नहीं दिखाया, क्योंकि रीज़न यही था, कार को सुबह जाना था पंजाब की तरफ, वो मेरे पास रात हो गई थी और मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं इंटीरियर नहीं दिखा पाया. और ऑब्वियसली यार बहुत लोगों ने रिव्यू करा, आप उसका इंटीरियर देख सकते हो. अपने पर्सनल रिव्यू से दिखाऊँ तो इसके इंटीरियर में कोई कमी नहीं है यार. सीट पीछे ओके, आगे की सीट ओके, आगे का मैंने डैशबोर्ड जो मेन चीज़ होती है वो मैंने आपको ओके कर दिया. और इसके डिग्गी की स्पेस भी काफ़ी अच्छी है, वो नीचे शो हो जाएगी लिखी हुई. और यार गाड़ी में कोई कमी होने नहीं वाली, अगर मैंने मेन चीज़ों में फिर भी उठा ली. मैं इसका दिखाता हूँ म्यूज़िक सिस्टम. म्यूज़िक सिस्टम इतना शानदार है, 2012 मॉडल है गाड़ी का, और फिर भी म्यूज़िक सिस्टम इतना शानदार है. और तब से इसमें एक रुपए का काम नहीं हुआ, बस इसके अंदर वॉइस स्टूडियो कार का जो लगा हुआ है जो कंपनी से आया था, और वॉइस चार कॉम्पोनेंट जो लगे होते हैं हुंडई की कार में, फिर भी इसका जो बेस आती है वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम आती है.
चलाने से पहले मैं इसका आपको शानदार इंटीरियर दिखा देता हूँ। रात में दोपहर को कोई मज़ा नहीं था, तो रात में इसकी लाइटिंग देखो, ब्लू और वाइट पर्सनल फेवरेट है यार। ब्लू और वाइट में क्या कॉम्बिनेशन लगता है i20 का यार। और मैं साइड से दिखा दूँ तो यहाँ पे ये देखो, पूरा ब्लू और वाइट में कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इंडिकेटर के, आपके एकदम राइट और लेफ्ट में अलग अलग दिखता है, जो पास पास वाला दिया नहीं गया, और बीच में आपको स्क्रीन मिल जाती है। कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं है, तो मेरे को तो पसंद है डैशबोर्ड में स्क्रीन। इसमें आपको ट्रिप का, इसमें ट्रिप वगैरह, स्टीरियो, USB वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, कार की ट्रिप वगैरह सब इसी के अंदर दिखा देता है, जो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा। और यहाँ पर अगर मैं कंसोल की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर भी आपको ब्लू लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और जो रात में काफ़ी अच्छा लगता है। रात में इस गाड़ी की लुक आती है, CD, ऑक्स, म्यूट, सेटअप, ऑक्स, पेन ड्राइव सब इसमें ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC भी मिल जाता है, जो AC इसका काफी ज्यादा शानदार है गाइस, जो अच्छे से वर्क करता है। अभी रात हो चुकी है और रात को मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि लेट हो गया था मैं वीडियो बनाने में, तो ये मेरे को रात को देर दिखानी पड़ रही है आपको, तो ये देर रात को ही दिखानी पड़ रही है मेरे को चला के आपको। तो गाइस चलो मैं अभी स्टार्ट करके दिखाता हूँ पहले। तो ये मैंने चाबी लगाई है, स्टार्ट हो गई, साउंड आपने सुनी ली होगी शायद अंदर आवाज आ रही हो, तो इसके अंदर क्योंकि वो है डीजल इंजन है तो काफ़ी ज़्यादा साउंड है। AC बंद कर देता हूँ मैं, जैसे कि AC मैंने बंद कर दिया, ठीक है। इस अब फर्स्ट गियर डाल दिया, मैं चला के देखता तो रिस्पॉन्स कैसा है। भाई स्पीकर वाइज तो आप पूछो मत, i20 है, आपको भी पता है इसका चलाने में रिस्पॉन्स कैसा है। बस मेन दिक्कत क्या आ रही है मेरे को, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से चला रहा हूँ, और इसकी अलाइनमेंट आउट है गाड़ी की। स्टेयरिंग छोड़ते देखो, स्टेयरिंग छोड़ूंगा राइट भाग जाएगी, स्टेयरिंग छोड़ते राइट भाग जाती है, तो ये कुछ होता है। चलो छोटी मोटी चीज़ें, मेन चीज़ें बताऊँ तो गाड़ी गेयर सॉफ्ट, स्टेयरिंग मक्खन अगर इसकी अलाइनमेंट की बात ना करूँ तो। और बाकी इसमें अगर मैं और चीज़ें बता दूँ, गाड़ी कब 80-100 पकड़ लेते हैं मुझे खुद नहीं पता लगता। 100 तो गाड़ी गोली की तरह चली जाती है और पता भी नहीं लगेगा आपको, और इतना ट्रैफिक है तो मैं आपको ज़्यादा तेज़ चला के दिखा नहीं पा रहा। बाकी अगर टायर्स की बात करो तो टायर्स तो बिल्कुल इसके भी ओके हैं, ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और इसके चलने में गाड़ी मक्खन है। और गाड़ी में अगर एवरेज की बात करते हैं तो ये मेरे ख्याल से ये एवरेज दे जाती है 15-16 की आपको, बिल्कुल डीजल पे, डीजल वाली है 15-16 पे आराम से एवरेज निकाल के देती है। इंजन इसका 2 लाख चल चुका है और फिर भी इस गाड़ी में कोई कांडा ही है। अगर ले रहे हो ना तो समझ लेना बिल्ड क्वालिटी तगड़ी ही मिलने वाली है, और मेंटेनेंस भी अच्छी खासी रहने वाली है। अभी ये आपको अगर दिखाऊं तो ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक मिलेगा। बाकी गाइस गाड़ी में अगर मैं बात करूं इसकी रेडियस, टर्निंग रेडियस तो वो भी अच्छा खासा है, और हॉर्न की बात करूँ तो जाम आ गया तो हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न काफ़ी अच्छा खासा आवाज़ कर रहा है, अंदर तक कैबिन नॉइस अच्छी आ रही है। और गाइस जब मैं आपको बताऊँ, चल रही है अभी गाड़ी 40 पे, मान लो 40 पे है। अब मैं टॉप स्पीड निकालने की कोशिश करता हूँ, निकलती है तो दिल्ली का जाम। ओहो गोली है गाइस, गोली, तो गाइज ऐसी पहुंच गई, पता नहीं लगा मेरे को। सो तो गाइज मैं पता ही लग रहा भाई, डीजल की गाड़ी मतलब रेस देती मैं पीछे को हो जाता हूँ बिल्कुल। 2012 मॉडल और ऐसा इंजन, मैं सही बोलूँ तो लाइफ पे मैंने ऐसी गाड़ी नहीं चलाई जिसका इतना गंदा प्रेशर है कि रेस देते बंदा पीछे जा रहा है डीजल में। और माना इसकी अच्छी पिकअप यार, मतलब इसकी रेस की यार मज़ा आ गया गाइज। पुल में वो खाली नहीं मिल रहा, आराम से 140-150 तो जाएगी है, इतना मैं श्योर हूँ। और ज़मीन के साथ चिपक के चल रही है तो इसमें कोई डरने वाली बात ही नहीं है। ये देखो अभी थोड़ी खाली मिली है, मैं दिखाता हूँ। यार जाम मिल जाता है तो गाइज चलो मैंने 100 तो दिखाई दिया, इसके आगे मैं शायद ना दिखा पाऊँ जाम। और गाइज अगर मैं इसकी लाइट चला और अगर गाइस मैं पोर्टोल से गुजर रहा हूँ जैसे आप देख रहे हो पुल पे, तो कोई मतलब गाड़ी में अंदर आवाज़ ही नहीं आ रही, कोई कैबिन नॉइज़ ही नहीं है। खड्डों में से निकल रहा हूँ तो कोई गाड़ी में कोई ऐसा नहीं कि पार्ट हिल रहा हो, कोई कैबिन नॉइज़ नहीं। और चलने में गाड़ी है A1, i20 पर्सनली मेरी फेवरेट है। हाँ अब नई वाली भी अच्छी है, बट ये यार अपने टाइम की क्वीन रह चुकी है और लोग अब भी ले सकते हैं। ये देखो वो देखो एक i20 जा रही है लेफ्ट में, फिर सिल्वर कलर में दिख रही है आपको गोरी i20। तो भाई i20 अपने टाइम की क्वीन है, ऐसी बात नहीं है, और अब भी है।
पर्सनली इसे मैं इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि इसका इंजन काफ़ी हैवी है और बिल्ड क्वालिटी जो उन्होंने दी है तो वो तो है ही शानदार। तो चलो यही सब था बताने को, आई होप यार आपको वीडियो पसंद आई हो, मैंने अच्छी बनाई है यार, मैंने आपको पूरी कार दिखा दी और मेरे को लगता है आपको कार काफ़ी पसंद आई होगी क्योंकि यार ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। और अगर इसमें कोई कमी रहेगी तो यार कमेंट कर देना और बता देना कि कितना रह क्या क्या मैंने नहीं बताया क्या क्या बता दिया। और यार लड़ना मत यार, जब सेंटो का रिव्यू करा था उसमें मैंने वैगन आर के बारे में थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स बोल दिए थे, उसमें आप यार मेरे ऊपर चढ़ गए थे यार कि तूने गलत बोल दिया। भाई वो बोला नहीं है यार मैंने, वो इसलिए होता है कि यार काफ़ी लोग बोलते हैं कि वैगन आर की बिल्ड क्वालिटी अब ख़राब है, तो है अब मैं बोलूँगा लोग बोलते हैं भाई इसमें गाली देने वाली बात तो नहीं है ना, सेंट्रो की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और अब भी जो नया मॉडल आया वो भी अच्छे, चाहे कामयाब नहीं हुआ लेकिन अच्छी है। पर्सनली भाई वैगन आर मेरी भी फेवरेट है, मैंने रखी है पहले, दो वैगन आर मैं रख चुका हूँ पहले भी और अब भी शायद नहीं लूँ वैगन आर। भाई वैगन आर भी अच्छी कार है बट हाँ सेंट्रो के कंपैरिजन में जो जो नेगेटिव पॉइंट्स दिखे तो मैंने बोला, बाकी यार इसमें बुरी मानने वाली बात नहीं होती यार, हम तो सिर्फ रिव्यू देते हैं चला के, वो भी हम इतने अच्छे से रिव्यू नहीं देते कि इंजन के अंदर घुस जाएंगे भाई इसका इतना सीसी इंजन है भाई ये टर्बो आई ये वो, ऐसा कुछ नहीं अपना भाई, अपने ने रिव्यू देना, हमने गाड़ी का रिव्यू दे दिया, व्लॉग्स देते हैं भाई सिर्फ आपको एंटरटेन करता हूँ, लड़ा मत करो यार। बाकी हाँ सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि नई नई वीडियो रोज आ सके। अब ये हफ्ते बाद वीडियो आ रही है क्योंकि यार मैं बाहर था उसके लिए सॉरी। ऑल गाइस वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।